नमस्कार दर्शकों, आज हमारा तीसरा दिन है खेती करते हुए हमारा विलेज में। मेरा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, एक ही दिन रेस्ट करके यहाँ पे आया था। माँ पिताजी को थोड़ा मदद करेगा बोल के लगभग थ्री इयर्स से यहाँ पे नहीं आया। और मेरा माँ पिताजी अकेला यहाँ में रहता है, बहुत सारा बच्चा है माँ पिताजी का, हमको मिला के 6-7 है। दो का शादी हो गया, दीदी बहन का, और मम्मी पापा जी का साथ कोई नहीं रहता है, तो बहुत बुद्धा बुद्धि हो गया। मम्मी तो रहती है, पिताजी का बहुत एज हो गया, 85+ हो गया उसका इयर्स। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा यहाँ पे जो फाइटर जेट जो गिरा था यूएस का पहाड़ में है, वो गिरा हुआ है, तब मेरा पिताजी लोग बहुत बड़ा हो गया था, उसका हिसाब से बहुत एज हो गया। ज़माने में ऐसा था, जितना बच्चा पैदा होगा तो बस्ती का हिसाब से जितना फैमिली बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बच्चा होगा, जितना बेटा बेटी होगा, तो उसका खेती ज़्यादा होता था, सब मिलके करता था। पिताजी लोग उसका हिसाब से बच्चा भी पैदा किया था, मगर ज़माना बदल गया, हम लोग को पढ़ाई लिखाई करना पड़ा। तो पढ़ाई लिखाई जब तक मैं छोटा था, क्लास 12 तक, हर वेकेशन में यहाँ में आता था खेती करने के लिए, मदद करने के लिए। 1-2 महीना वेकेशन होता था, हमेशा मदद करने आता था। जब क्लास 12 मेरा क्रॉस हो गया तो मैं चंडीगढ़ पंजाब में पढ़ने चला गया। चार साल 2020 में मेरा कोर्स ख़त्म होने से पहले ही आप लोग देखा होगा मेरा विलेज का घर है बोल के, आपको दिखाया था मेरा घर है बोल के, विलेज नियर चाइना बॉर्डर बोल के, तो वो हम लोग का घर था। कोई विश्वास नहीं हो रहा था वो मेरा घर नहीं है बोल के, और अभी वो घर तोड़ दिया है। तो माँ पिता को ये खुद कर करके कहते रहता है, सुबह शाम अंधेरा को खेती से वापस आएगा, थोड़ा खाना आठ भी अच्छे से दो के कहता है, उसके बाद सो जाता है। अभी बहुत एज हो गया। मेरा छोटा भाई भी ऐसे अनफॉर्चुनेट मर गया था, तो उसका हिसाब से भी चिंता हो के। और मेरा माँ का जब क्लास 12 पास होके मेरा कॉलेज जाने वाला था, तो मेरा बड़ा भैया का किडनी दोनों डैमेज हो गया था, किडनी डोनेट किया था माँ जो, तो एक ही किडनी होके भी कोई मदद करने वाला नहीं पे, तो कर करके पिताजी भी थोड़ा माँ से एज है, और रेसलेस या में करते रहता है। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखा तो करना पड़ेगा, या हर साल हर महीना खेती करके भी नहीं बेच सकता है। तो माँ पिताजी का आद को भी आप देखिए, वो हमेशा काम कर करके ऐसा हो गया, बहुत एज हो गया है। और ये जो देखिए जितना नीचे में बहुत बड़ा खेती है, ये सब छोड़ दिया आधा को, दोनों एज हो गया, बहुत बड़ा विलेज का सबसे बड़ा पानी खेती ये था, अभी भी है। माँ पिताजी पूरा को करने के बाद एक टोकरी वाला वो जूम खेती भी करता था, वो भी नहीं जुड़ता था। तो लोकल अपना विलेज के हिसाब से माँ पिताजी दोनों माना जाना था, धनी तो नहीं था, मिथुन गाय वो सब में माना जाना नहीं था, मगर बकरी खेती हम लोग का तसे होता है एक, तो पाम ट्री वो सब में फेमस था। अभी जो बहुत लोग धनी बन गया वो लोग हम लोग से खरीदता था, मगर अभी एज हो गया हम लोग है, मगर भैया लोग भी है, दीदी लोग भी है, कोई पढ़ लिख के कुछ बड़ा नौकरी नहीं हुआ, तो दोनों को काम करने नहीं देना था, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो थोड़ा ये बार मदद करने आया था। दोनों का आर्ट का कंडीशन आप देखिए, काम कर करके कैसा हो गया।
आप लोग देखते रहता होगा ये लड़का हमको हंस के हंसी खुशी से वीडियो वगैरह डालते रहता है, बहुत धनी वाला फैमिली से ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया है और साथ ही साथ जितना मेरा विलेज का काम है सबको पता है हमको, इसी का चलते हमेशा कर करके छोटा से अभी तक मेरा हैंड राइटिंग वगैरह भी ठीक नहीं है। खेती करने का डेडिकेटेड वीडियो आएगा, आप उसमें देखिए। और यहाँ पे जितना भी एक्टिविटीज़ होगा आपको दिखाते रहेंगे, आप जो देखते रहिए हमारे फेसबुक पेज में, यूट्यूब पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।